तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो में से जो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आज की वीडियो। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इस वीडियो को स्किप मत करिए, इस वीडियो को मतलब बीच में से कट करके मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ये 11 चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। 11 चैप्टर हम पढ़ते क्या हैं, अगर वही नहीं पता तो फ़ायदा नहीं करने का। तो आज हम यही देखेंगे कि चैप्टर में 11 में बेसिकली है क्या, हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। व्हाट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी? ये टेक्नोलॉजी लगातार समय के साथ जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, लगातार इसमें एडवांसमेंट आती जा रही है। अब देखते हैं ये होती क्या है ये टेक्नोलॉजी। क्यों देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे करते बाद बायोटेक्नोलॉजी करना चाहेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए कि वो जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये पढ़ेंगे चैप्टर 11 में ऐसा है क्या जो हमें पढ़ना है, तो वो आपका पूरा का पूरा आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो मैं इसको आपको पहले डायग्रामेटिक वे से समझाता हूँ कि क्या होता है ये। ये है प्लाज्मिड, ये क्या है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अभी के लिए आप सिर्फ इतना मान लीजिए, प्लाज्मिड बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है मेन डीएनए के अलावा। ठीक है, और यहां पर मान लीजिए ये है आपका वो डीएनए जिस डीएनए को आप लगाना चाहते हो इस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ में। तो मैं इस डीएनए की लेंथ थोड़ी बड़ी दिखाता हूँ ताकि थोड़ा लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए जो बाहर का डीएनए होता है। ठीक है, या एलियन डीएनए, एलियन डीएनए आपका जादू वाला एलियन नहीं है, ये एलियन मतलब जो बाहर से, एलियन का मतलब होता है जो आपके एरिया के जो बाहर के लोग होते हैं उनको हम एलियन वर्ड से बोलते हैं। सो हम चाहते हैं कि फॉरेन डीएनए का इतना पार्ट काट कर हम इसको यहां जोड़ दें, क्या करें जोड़ दें। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को सेम एंजाइम से ट्रीट करते हैं दोनों को। चलिए मान लीजिए मैंने दोनों के ऊपर इको आर्मन एंजाइम डाल दिया, क्या डाल दिया, इको आर्बन एंजाइम को डाल दिया। अब सेम एंजाइम डालने का लोचा क्या है, सुनिए, जब आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे तो वो दोनों पे सेम सीक्वेंस ढूंढेगा, और जब सेम सीक्वेंस ढूंढेगा तो दोनों पे कट भी सेम तरह का आएगा, और सेम तरह के जब एंड बनेंगे तो उनके अटैचमेंट पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सो यहां पर इको आर्बन दोनों पे कट मारेगा, और कट मारने के बाद मान लीजिए यहां पर ऐसा बना, और यहां पर जो आपका ऐसा बना ये डीएनए, फॉरेन डीएनए, बाकी ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग हो गया। ठीक है, आपके काम का डीएनए कौन सा है, ये ए वाला है। सो अब क्या करेंगे, हम इस ए वाले डीएनए को लेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। अब दो डीएनए को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, आप लोग जानते हो, दो डीएनए को कभी जोड़ना हो तो आप हमेशा यूज करते हो एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज हमेशा डीएनए को जोड़ने के काम आता है। सो यहां पर हम जब दोनों डीएनए कंबाइन कर देंगे, सो दोनों डीएनए कंबाइन करने के बाद आपको मिलेगा ऐसा डीएनए। और आप लोग इसको बोलते दिस इज आर डीएनए, आर की फुल फॉर्म बताऊं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, री मतलब अगेन, कॉम्बिनेंट मतलब कंबाइन करना, कि अगर आपका एक डीएनए ऐसा बना जो दोबारा कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद बना है तो वो बनता है आर डीएनए। रिकॉम्बिनेंट का मतलब मिक्स, क्या होता है इसका आपके भाषण में मतलब क्या है इसका, मिक्स, यानी कि किसी को मिक्स करके जो बनाया हुआ डीएनए, उस मिक्स वाले डीएनए को हम क्या बोलते हैं, आर डीएनए। सो आर डीएनए हमेशा हम क्या करते हैं, हम एक डीएनए के अंदर दूसरा डीएनए लगा देते हैं, तो दिस इज आर डीएनए। और ये पूरी पूरी क्या लगी टेक्नोलॉजी, दिस इज आर डीएनए टेक्नोलॉजी। लग तो बड़ा सिंपल लग गया, कुछ खास हुआ ही नहीं, लेकिन जब हम इसी को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप में तब पता लगेगा कि क्या था इसमें। ठीक है दोस्तों, सो हमें इस चैप्टर में पढ़ना यह है कि ये जो आर डीएनए टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं इसको स्टेप में पढ़ना है हमें, इस पूरे चैप्टर में, कि हमें यहां से लेके यहां तक आना है, और जब हम स्टेप में आएंगे तो अल्टीमेटली जैसे हम यहां पर पहुंचेंगे हमारा चैप्टर खत्म। सो हमें यहां तक आना है स्टेप बाय स्टेप में, और यही आपका चैप्टर नंबर 11 बताना चाह रहा है।
आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम तो दिखाया हुआ है ऐसे कि ऐसे आप आरडीएनए बना सकते हो, जबकि दूसरे केस में उसने बहुत ही सुंदर डायग्राम दिखाया हुआ है जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या या कैसे होता है आपका आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ कि चलिए मान लीजिए ये वो डीएनए है जिस डीएनए के साथ में मुझे बाहर वाला डीएनए ऐड करना है, मान लीजिए GAA TTC, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने इको आर वन को ही लिया हुआ है समझाने के लिए, तो हम भी वही लेके चलते हैं, हम उनसे अलग नहीं जा रहे। सो ये डीएनए हो गया इस तरह से, ऐसे एक सामने आ गया फॉरेन डीएनए GAA TTC GAA TTC। ठीक है दोस्तों, सो मान लीजिए कि आप इस डीएनए का पार्ट इसमें जोड़ना चाह रहे हैं या आप इसका इसमें कोई सा भी जो आपको सही लगे, आप अपने हिसाब से मतलब जो चाहे आप चाहे इसको लेकर फॉरेन लिखा इसको लेकर फॉरेन, वो आपके ऊपर है, मैं कोई ऐसा रूल नहीं बना रहा। ठीक है, तो मैं जो समझा रहा टॉपिक तो मैं उस पर ध्यान देता हूँ। तो चलिए दोनों को हम सेम एंजाइम से ट्रीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमेशा आप सेम एंजाइम से ट्रीट क्यों करते हैं, अभी आप खुद देख रहे हैं क्यों करते हैं। जब मैंने इक्वार्बन इस डीएनए पे डाला तो इस डीएनए में क्या हुआ, जहां पर इसे मिला अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी कि घटक, वहीं पे जाके कट मारेगा और उसे घटक मिल गया यहां पर इको। अब सवाल आता है कि इको आर्बन जब डीएनए के ऊपर गिरा जाता है या एंजाइम, तो ये घटक में कहां कट मारेगा, क्या कोई पॉइंट होता है या रैंडमली कहीं भी कट मार सकता है? जी नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे। जैसे कि इस इको आर्बन का पर्टिकुलर पॉइंट ये है कि जी और ए के बीच में कट मारेगा, कहां मारेगा, जी और ए के बीच में, यानी कि जी और ए यहां भी है और जी और ए यहां भी है, यहां भी देखिए जी और ए के बीच में कट यहां मारेगा, जी और ए के बीच में कट यहां मारेगा, यानी कि दोनों पे जब ये कट मारेगा तो यहां से जो बनेगा डीएनए वो ऐसा बनेगा और वहां से जो डीएनए बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये जाएगा जी सी टी टी ए ए। ठीक है, क्योंकि जी तो अलग हो गया और यहां पर हो जाएगा आपका जी ए ए टी टी सी, फिर जाएगा जी। ठीक है, ये देखें ये दो डीएनए मिले, कितने मजे की बात है, ये जो एंड मिले हैं एक एंड ये दूसरा एंड ये, क्या इनको जोड़ना पॉसिबल है? बिल्कुल, आप इनको इजीली जोड़ सकते हो। अब देखिए इनको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको डीएनए कुछ ऐसे मिलेगा। आप लोग जानते हो डीएनए जोड़ते कैसे हैं, आयुक्त मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, यहाँ पर डीएनए लाइगेज काम आता है। देखिए ये पूरा का पूरा डीएनए बना, ठीक है, और यहां पर हमने डीएनए जोड़ा, जोड़ा कैसे, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो दिस इज नोन एज आरडीएनए, ये जो डीएनए क्या बना है, आरडीएनए, क्योंकि फिर से मिक्स डीएनए बना है ये। अब जरा गौर से देखिएगा, ये दो डीएनए को हमने जोड़ा क्योंकि दोनों के एंड ऐसे हैं कि दोनों को जोड़ना पॉसिबल है। सोचिए अगर आपने डिफरेंट एंजाइम यहां पर डालता है, इको आर्बन यहां पर डालता है SMFS, तो होता क्या कि मान लीजिए एक डीएनए से आपको कट ऐसा मिल गया और दूसरे डीएनए से कट कैसा मिल गया, ऐसा कट मिल गया, क्या आप दोनों को जोड़ सकते हो? नहीं ना। सो होगा क्या कि जब आप सेम एंजाइम डालोगे तो सेम एंजाइम दोनों पे सेम कट मारेगा, जब सेम कट मारेगा तो दोनों को जोड़ना भी आसान रहेगा। तो इसीलिए आप हमेशा सेम रेसिस्टेंस एंजाइम यूज करते हो, जिन डीएनए के ऊपर आपको काम करना था तो आप सबके ऊपर ही सेम एंजाइम डाल रहे हो, ताकि सारे के सारे डीएनए सेम तरह के कट प्रोड्यूस करें और वो सेम तरह के कट जब बाइंड करेंगे देन दे विल प्रोड्यूस अ न्यू डीएनए दैट इज आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सो यहां पर ये हो गया आपका आरडीएनए। अच्छा, अब यहां पर मेरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है सुनिए, यहां पर जो डीएनए से कट मिलता है, जब डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं तो हमें दो तरह के एंड मिलते हैं, दो तरह के एंड मिलते हैं, एक मिलता है स्टिकी एंड
एक मिलता है ब्लंट एंड, कैसे देखिए एग्जांपल लेता हूं मैं एस एम ए फर्स्ट का, सम ऑफ फर्स्ट जिसे मैं कहता हूं, इसका पेंडोमिक सीक्वेंस क्या है, सी 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 जी 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 डबल ट्रिपल सी ट्रिपल जी, ये हो गया ठीक है। और मैं एक बार एक कार्बन का लेके चलता हूं, इसका क्या होगा घटक ठीक है। सोचिए ये पूरे का पूरा डीएनए, ये भी डीएनए ये भी डीएनए, ये कट कहां मारेगा, जी और ए के बीच में, यहां कट मारेगा यहां कट मारेगा। ऐसा में फर्स्ट हमेशा सी और जी के बीच में कट मारते हैं, तो नीचे सी और जी ये रहा यहां पे कट मारेंगे, ऊपर सी और जी ये रहा, यानी कि यहां पर जो समा फर्स्ट है ये दोनों डीएनए के स्टैंड पे एग्जैक्ट अपोजिट फॉर्म, मतलब दोनों स्टैंड पर एग्जैक्ट सेंटर से काटेगा, बिल्कुल सेंटर से, जबकि ई कार्बन देखिए सेंटर है हाँ, यानी कि दोनों सेंटर से दूर दूर कट कर रहे हैं, वो भी अपोजिट स्टैंड पे। इस पे दोबारा सुनिएगा कि ये सेंटर से दूर होकर दोनों स्टैंड पे कट मारते हैं अपोजिट साइड में, ये भी दोनों पे कट मारेंगे लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से। तो आप खुद देखिए यहां से जो बनेगा आपका जो बनेगा एंड वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ठीक है, जबकि यहां से जो कट बनेगा वो कट बनेगा ऐसा। तो इस एंड को हम बोलते हैं ब्लंट एंड, ब्लंट मतलब बिल्कुल शार्प कटिंग, बिल्कुल एब्रप्ट एंडिंग, एंडिंग खत्म हो गई हमसे। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टिकी एंड, क्या बोलते हैं इसको स्टिकी एंड, इसको मैं डालता हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं से स्टिकी क्यों कह रहे हैं, आप खुद देखिए कि ये जो डीएनए के एंड कटे हुए हैं, ये डीएनए का एंड किसी और डीएनए के एंड से जुड़ेगा, और जाहिर सी बात है ये ब्लंट एंड किसी ब्लंट एंड से जुड़ सकता है, स्टिकी से तो पॉसिबल भी नहीं है। तो जब ये ब्लंट किसी और ब्लंट से जुड़ेगा तो कैसे जुड़ता है, आप लोग जानते हो डीएनए लाइगेज अपना काम करता है। सो मुझे बताइए डीएनए लाइगेज यहां पर अपना काम करे और यहां पर अपना काम करे, बताइए स्टिकी एंड और ब्लंट एंड में से ज्यादा डीएनए लाइगेज कहां लग सकता है। आंसर जाएगा स्टिकी एंड, क्योंकि स्टिकी एंड पे सरफेस बहुत ज्यादा होती है, स्टिकी एंड में क्या होती है जो सरफेस होती है बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा सरफेस होने की वजह से वहां पर डीएनए लाइगेज अपनी एक्टिविटी ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। तो डीएनए लाइगेज मान लीजिए फेविक्विक हो गया, जितना ज्यादा फेविक्विक लगेगा उतना ज्यादा वो स्टिकी हो जाएगा, तो क्योंकि स्टिकी एंड्स ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं उस वजह से डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी वहां ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो एंड स्टिकी हो जाता है, इसीलिए इसे नाम के देते हैं स्टिकी एंड, इसे नाम के देते हैं ब्लंट एंड। सो इसमें से बेटर अटैचमेंट कहां मिलेगी आपको, स्टिकी एंड पे मिलेगी। तो यहां पे आपको कौन से एंड मिले हैं, स्टिकी एंड। पूछा जाए स्टिकी एंड कैसे होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड, तो नो डाउट आपको क्या बोलना है, सिंगल स्टैंडर्ड, जबकि ब्लंट एंड कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, सो स्टिकी एंड क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, क्या फायदा होता है, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा आरडीएनए टेक्नोलॉजी, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आरडीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स की बात करेंगे, हम स्टेप्स पढ़ते रहेंगे और हमारे जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर धीरे धीरे होते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टाटा।